राजस्थान में चुनाव में कुछ ही समय बचा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए नई नई रणनीति बना रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव को देखते हुए एक और बड़ा दाव खेला है। सीएम ने एक बार फिर अपना जादुई पिटारा खोलते हुए बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक आर्थिक औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा स्वास्थ्य आदि से संबंधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को भी बड़ी सौगात देते हुए रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने के लिए 90% की छूट का ऐलान किया है। यानी मंथली पास बनवाने के लिए अब महिलाओं और बालिकाओं को केवल 10% पैसा ही देना होगा। इस छूट को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते सीएम अशोक गहलोत लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। सीएम अशोक गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के मौके पर मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। दरअसल सीएम गहलोत ने गिग वर्कर्स कल्याण के लिए अलग से घोषणा करते हुए 5,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके तहत ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो समेत इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर जैसे काम शामिल है। आपको बता दें कि इन वर्कर्स को राज्य सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन करने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज जैसे आवश्यक सामान खरीदने के लिए 1 टाइम 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं सीएम गहलोत ने मंत्रालय कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया है। इसके तहत अब राज्य में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय बनाया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति, ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत कई कार्य इस निदेशालय के माध्यम से होंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर सभी कर्मचारी राज्य सरकार से काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने राजस्थान को बड़ी सौगातें तो दे दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इन सौगातों का चुनाव पर क्या असर होगा। क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।